बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक विद रानीज़ किचन। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी मसालेदार जायकेदार लखनवी मटन कलेजी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाइस ये रेसिपी है, और एक नए तरीके से आज मैं इसे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर में ऑयल हीट किया है। इसमें दो बड़े अनियन हैं कट किए हुए, इन्हें ऐड कर देंगे। तो अब हम अनियन को थोड़ा सा फ्राई हो जाने देंगे और इसके बाद हम इसमें, तो गाइज़ यहाँ पर हमारी अनियन हल्की सी फ्राई हो गई है, बस इतनी ही हमें इसे फ्राई करना था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन कलेजी। तो गाइज़ अब हम सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और 4 टीस्पून अनियन, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर ऐड करने के बाद आप इसमें ऐड कीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोरिएंडर पाउडर, यहाँ पर मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुक करेंगे। इस पूरे प्रोसीजर में हमने फ्लेम हाई रखी है, और पूरे प्रोसीजर में आपको फ्लेम हाई ही रखनी है, कहीं पर भी आपको लो या मीडियम नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलेजी बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और टेस्टी बने बिना पानी के, तो बहुत ही अच्छे से आपको ये रूल फॉलो करना होगा कि आपको कहीं पर भी फ्लेम को लो नहीं करना है। अब हम इसे कवर कर देंगे और हम फुल फ्लेम पर इसमें 4 विसल्स आने तक का वेट करेंगे। गाइस प्रेशर अच्छे से लूज़ हो चुका है, तो चलिए एक बार इसे ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हमारा ये कलेजी, मसाला कलेजी कुक हुआ है, और ये देखिए। तो बस इतना ही हमें इसे कुक करना था। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे सोया, जिसे हमने चॉप कर लिया था। गाइस इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सोया का, और साथ ही मैं इसमें मेथी भी ऐड कर दूंगी थोड़ी सी चॉप की हुई, और इसमें हम बहुत थोड़ा सा पालक भी चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे एक साथ में, और इसके बाद अब हमने यहाँ पर फ्लेम ऑन कर दी है। गाइस आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ये पक जाती है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो गाइस अब हम इसे कवर कर देंगे और 1 विसल आने तक कुक करेंगे, फिर हमारी मटन कलेजी रेडी हो जाएगी। सो गाइस अब हमारी ये मटन कलेजी बनकर तैयार थी, तो हमने इसे सर्व कर दिया था, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आपको पसंद आएगी ये। एक बार नए तरीके से भी ट्राई करके देखिए। नॉर्मल वाली तो सबने ही खाई होगी, बट इस तरीके से जैसा मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, इस तरीके से भी एक बार आप ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जूसी ये बनी है, तो इसे ट्राई कीजिए और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।